हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरोस्पेस कंप्यूटर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंडोज 7 के अंदर माई एसक्यूएल कैसे इंस्टॉल करते हैं। माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ का पैकेज, पाइथन लैंग्वेज और माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क 4.5.2 और या फिर इससे हाई वर्जन, ताकि किसी प्रकार का हमें कोई एरर ना आए एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल 2015 टू 2019 का पैकेज डाउनलोड कर लूँगा, जिसे हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही। ये देखिए, जैसे कि मैंने इस वेबसाइट पर क्लिक करा, इसके अंदर हमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ इसके पैकेज सभी मिल जाएंगे। तो इसमें हमें दो वर्जन दिखाई दे रहे हैं, x86 एंड s64। तो हमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में चेक कर लेंगे कि हमारी विंडोज़ 32 बिट में रन कर रही है, 64 बिट में रन कर रही है। जैसे कि मेरी विंडोज़ 64 बिट में रन कर रही है, तो मैं इसके लिए 64 बिट का सेटअप डाउनलोड कर लूँगा। इस पर हम क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट, हमारा सेटअप जो है वो डाउनलोड हो चुका है। उसके लिए हमें सेकंड सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट है वो हमें है पाइथन या फिर माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क। आप इन दोनों में से कोई भी पहले डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट का ही .NET फ्रेमवर्क 4.5.2 वर्जन डाउनलोड कर लूँगा मेरे सिस्टम के लिए, ताकि मेरे को किसी प्रकार का कोई इशू ना आए बाद में इंस्टॉलेशन के टाइम पर। तो मैं इसे भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लूँगा। ये यहाँ हम आगे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। अब मेरे दोनों सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड वन जो रह जाता है वो है पाइथन, जिसे मुझे इंस्टॉल करना होगा माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने से पहले। तो मैं इसे भी डाउनलोड कर लूँगा। पाइथन क्लिक करते ही ऑप्शन आएगा मेरे पास पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने का। इस पेज के ऊपर जैसे कि 3.9.4 वर्जन है, ये विंडोज़ 10 के लिए है और 8.0 से ऊपर के लिए। तो इसके लिए मैं लोअर वर्जन डाउनलोड कर लूँगा, जो विंडोज 7 में सपोर्ट करता हो, जो कि 3.6.0 वर्जन है। जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ आके डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ये मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा देगा कि मुझे पाइथन वेब बेस्ड इंस्टॉलर करना है, मैक ओएस के लिए डाउनलोड करनी है, किस लिए। जैसे कि मुझे ऑफलाइन डाउनलोड करनी है, तो मैं x86 एंड 64 एग्जीक्यूटिव इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लूँगा, ताकि प्रॉपर सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएँ। अभी मेरे तीनों सॉफ्टवेयर मेरे पास डाउनलोडेड हैं और मैं इन्हें एक एक करके इंस्टॉल कर लूँगा। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर रखा है, तो मुझे इसे दोबारा इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था पहले से ही। तो दूसरे नंबर पर अब जैसे कि ये देखिए, मैं .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा है और ये अपनी फाइल्स को जो भी है एक्सट्रैक्ट करना भी स्टार्ट कर देगा। डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम स्पीड, आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा इंस्टॉलेशन होने में। अभी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो रही है और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगी। हमें आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये .NET फ्रेमवर्क का जो पैकेज है पूरा का पूरा हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर्स हमें इसलिए इंस्टॉल करने हैं ताकि माई एसक्यूएल इंस्टॉल करते टाइम हमें किसी भी टाइप का कोई एरर ना आए। मीनवाइल मैं माई एसक्यूएल भी डाउनलोड कर लेता हूँ, माई एसक्यूएल का सेटअप डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं गूगल पे सिंपल टाइप करता हूँ माई एसक्यूएल डाउनलोड, तो ये मेरे पास वेबसाइट आ जाएगी माई एसक्यूएल की ऑफिशियल वेबसाइट से, मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। इस पेज पर आने के बाद जैसे कि इसमें काफ़ी सारे इसके वर्जन है, माई एसक्यूएल एंटरप्राइज एडिशन क्लस्टर, मुझे फ्री वर्जन चाहिए तो माई एसक्यूएल कम्युनिटी GPL डाउनलोड पर मैं क्लिक कर लूँगा। ये एक फ्री वर्जन है, इसके अंदर भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है कि आपको माई एसक्यूएल का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, कम्युनिटी सर्वर क्लस्टर ओनली वर्क बेंच पर आपको काम करना है। मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ पर क्लिक करना है। इसके बाद ये यहाँ पर पूछ लेगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें यहाँ दो ऑप्शन है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। 2.4 MB का सॉफ्टवेयर है, जो ये है ये ऑनलाइन वर्जन है, जिसे हम नेट से डाउनलोड कर लेंगे। इसके सेटअप डाउनलोड करने के बाद मुझे ऑफलाइन इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, तो मैं ये 435 MB वाला सॉफ्टवेयर इसको डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद ये ऑप्शन आएगा कि
आप लोग इन्हें साइन अप कर सकते हैं या फिर आई विल क्लिक ओनली नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। उसके बाद मेरी डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी सिस्टम के अंदर एंड इट्स फ्री। डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड ये सेटअप जो भी है डाउनलोड हो जाएगा। लीजिए हमारी MySQL भी डाउनलोड हो चुकी है हमारे सिस्टम के अंदर। अब एक एक करके हम सभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और MySQL को सबसे लास्ट में इंस्टॉल करेंगे ताकि इंस्टॉलेशन करते वक्त किसी प्रकार का कोई भी एरर ना आए। जैसे कि हमने विजुअल C++ ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था, .NET भी इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं सिस्टम के अंदर। पाइथन पे भी सिंपल आप लोग रन करेंगे डबल क्लिक, अब ये पूछेगा इंस्टॉल नाउ और इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स, उसे ऑल यूजर रहने दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अभी इंस्टॉलेशन पाइथन की भी स्टार्ट हो चुकी है। ध्यान रखिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर ना आए। अगर आपको किसी टाइप का कोई एरर आता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के टाइम पर तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब पाइथन की इंस्टॉलेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। पाइथन भी हमारी ऑलरेडी देखिए सेटअप बहुत सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम MySQL इंस्टॉल करते हैं। MySQL इंस्टॉल के लिए सिंपल आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, उसके बाद जो दो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि इंस्टॉलेशन में कितना टाइम मिलेगा। सेटअप इसका स्टार्ट हो जाएगा MySQL इंस्टॉलर 1.4 वर्जन। देखिए अब मेरे पास यहाँ स्क्रीन के ऊपर ये ऑप्शंस आ गए हैं काफ़ी सारे, जैसे कि डेवलपर डिफॉल्ट सर्वर ओनली मुझे कौन सा इंस्टॉल, ये मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे सर्वर ओनली पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर ये पैकेज आएगा, क्लाइंट के अंदर ये चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी। अगर मैं फुल करता हूँ तो इसके अंदर जितने भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। मेरा काम सिर्फ डेवलपर के लिए है तो मैं इसे डेवलपर डिफॉल्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। इसके बाद अभी आपको एक ऑप्शन दिखाएगा, जैसे कि मैंने MySQL पहले इंस्टॉल कर रखी थी तो इसलिए मुझे दिखा रहा है सेलेक्टेड पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपके वाले में नहीं दिखाएगा, आप इसको यस करके नेक्स्ट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का, तो मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके विदाउट मेरा SQL काम कर सकता है। जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर चेक पे क्लिक करता हूँ तो दिखाएगा दस रिक्वायरमेंट इज स्टिल फेलिंग, तो मैं इसको भी नेक्स्ट करके वन और मोर प्रोडक्ट हैज़ नॉट बीन सेटिस्फाइड तो मैं इसको भी यस कर सकता हूँ। यस कर दूँगा तो इससे मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर नहीं आएगा और ये वर्जन्स ये इस प्रोडक्ट के अंदर की जो पैकेज के अंदर जो कुछ भी कंटेंट है वो उसको मैं क्लिक करके एग्जीक्यूट करूँगा तो ये चीज़ें इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ आपके सिस्टम की स्पीड डिपेंड करती है कि ये
15 to 20 minutes लेगा या 10 minutes लेगा या 5 minutes लेगा, जैसा भी आपके सिस्टम की स्पीड है और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये अपना टाइम कंज्यूम कर लेगा। देखिए जैसा कि सभी प्रोडक्ट्स इंस्टॉल्ड हो चुके हैं, तो इसके बाद अब मैं सिंपल नेक्स्ट पे मैं प्रोडक्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो मैं इसे एज इट इज़ रहने देता हूँ, मुझे इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करने। अब ये ऑप्शन पूछ रहा है कि पासवर्ड डालने का, तो यहाँ मैं अपना जो रूट का पासवर्ड होगा वो टाइप कर दूँगा। इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी पासवर्ड टाइप कर सकते हैं, एंड देन क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद इसकी विंडोज सर्विस में मैं इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं करना चाहता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दूँगा, तो उसके मैंने अंदर मैंने जो भी चेंजेस किए, जैसे कि मैंने जो पासवर्ड लगाया था या और मैंने कोई TCP/IP पोर्ट्स वगैरह या कुछ भी अगर चेंजमेंट किया होता, तो वो सब कुछ यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ क्लिक फिनिश, क्योंकि MySQL सर्वर मेरा कॉन्फ़िगर हो चुका है। नेक्स्ट है MySQL राउटर, इसके अंदर मुझे कोई चेंजमेंट नहीं करने हैं, तो मैं इसे भी एज इट इज रहने दूंगा और फिनिश कर दूंगा। उसके बाद सैम्पल्स एंड एग्जांपल्स, इसके अंदर मैं क्लिक करके मैं इसे चेक करूंगा कि मेरा जो सिस्टम है वो MySQL सर्वर से कनेक्ट कर पा रहा है नहीं। मैंने पासवर्ड डाल के चेक कर लिया, कनेक्शन सक्सेस, कि मेरा MySQL से कनेक्शन प्रॉपर है, पासवर्ड मेरा ओके है। मैं इसे भी एग्जीक्यूट कर दूंगा। देखिए सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये MySQL वर्कबेंच और ये शेल स्टार्ट हो जाएंगे, और मैं फिनिश कर देता हूँ। ये मेरा MySQL का जो शेल है वो स्टार्ट हो चुका है, इसे मैं क्लोज़ कर दूँगा, इसे मैं क्लोज़ कर दूँगा। और अब ये MySQL का वर्कबेंच भी मेरा स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि ये आ गया है स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं लोकल इंस्टेंस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये मुझसे पासवर्ड के लिए पूछेगा। मैं इसमें मेरा रूट का जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो डाल दूँगा। इसको मैं सेव पासवर्ड इन द वॉल्ट कर दूँगा, ताकि हर बार पासवर्ड के ना पूछे। एंड नाउ MySQL हैज़ बीन इंस्टॉल सक्सेसफुली, MySQL प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर मेरे पास सारे ऑप्शन हैं, उसके बाद आप जो भी MySQL के ऊपर काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैं क्रिएट न्यू MySQL पर क्लिक करता हूँ, तो ये न्यू MySQL के लिए फाइल ओपन हो चुकी है, इसमें मैं अपना कुछ भी काम कर सकता हूँ। सो अगर फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको सोशल मीडिया पर भी आता है तो कुछ कहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए।